हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, ठीक है। जो IIT जैम का जो एक पेपर होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि MS, ठीक है, उसमें कौन कौन से IIT हैं और उन IITs में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, और किस कैटेगरी की, वो सारी बातें आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं IIT की वेबसाइट पे हमारे, ठीक है, उसी में हम जानेंगे कि कौन कौन से IITs हैं हमारे और किस में हमारे पास MS का यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कितनी सीट्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है 2022 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ अपडेट भी हुआ है सीट्स में IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। तो वो सारी अपडेट्स भी हम देख लेंगे और साथ में देखेंगे कौन से IITs में है, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं, बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने MS पेपर यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि दो IITs हैं, दैट इज IIT कानपुर और IIT बॉम्बे, ठीक है, जहाँ पे ये आपका MS का पेपर अप्लाई करवाओगे। और एक और है IIT भुवनेश्वर, जहाँ पे आपको प्योर स्टैट्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप MS का पेपर क्वालिफाई किए हो अगर उस जे स्कोर से ज्वाइंट एडमिशन ले सकते हो, यानी कि ज्वाइंट PhD यानी कि MSc प्लस PhD वाले में एडमिशन ले सकते हो। किस कोर्स में, वो सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले उसी की हम बात करेंगे, IIT भुवनेश्वर, ठीक है, जिसमें ज्वाइंट MSc एंड PhD कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, जिसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस का अगर आप पेपर में MSc प्लस PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सीट्स हैं यानी कि MS यानी कि जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जनरल के लिए जो टोटल सीट है वो कितनी है, 9+1, ठीक है ना। एंड EWS के लिए 2 सीट्स हैं एंड OBC बाकी लिए 6, 4 and 2 जो आपकी देख रही हैं। और टोटल सीट जो आपको दिख रही है वो कितनी है, 24, कितनी है, 24। क्लियर। नाउ ये तो हो गए IIT भुवनेश्वर की बात, और बेसिकली जो प्योर स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए IIT कानपुर में है, ठीक है, जो है हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें टोटल यानी कि जनरल सीट जो है वो कितनी है, 18+1 एंड टोटल सीट जो है वो 48 सीट है, सब मिला के जनरल OBC वगैरह मिला के, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप MSc एंड PhD डुअल डिग्री करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च में, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपकी MS यानी कि अगर MS बैकग्राउंड से यानी कि आप MS का पेपर दिया आपने, दैट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें जो सीट है वो 3 है एंड टोटल जो है उसमें 7 सीट्स हैं। क्लियर हुआ ना। अब हम बात करेंगे थर्ड IIT, दैट इज IIT कानपुर, जहाँ पे आपका MS का पेपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप, ठीक है ना। देख लेते हैं IIT कानपुर के बारे में भी ना। ये रहा IIT कानपुर, ठीक है, जिसमें MSc स्टैटिस्टिक्स यानी कि प्योर स्टैटिस्टिक्स में आएगा, ठीक है, जिसमें टोटल सीट कितनी है, 24+1 एंड जनरल के लिए, ठीक है, एंड टोटल कितनी होंगी, 62 हो जाएंगे यानी कि सारी मिला के। और OBC की EWS के लिए कितनी है, 5+1 एंड EWS यानी कि OBC के लिए बोल सकते हैं 16+1 यानी कि 17 सीट्स हैं और टोटल 62 सीट्स हैं, ठीक है। और बाकी वो डुअल डिग्री जो है वो फिजिक्स में। तो ये आपके तीन है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में भी अगर आप एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस से MSc एंड PhD कर रहे हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टैट्स में ही MSc करना है तो सिर्फ आपके लिए दो ही हैं, IIT कानपुर और बॉम्बे, जिसमें एक में 48 सीट है टोटल, एक में 62 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ सीट क्लियर होंगी किस IIT में आपको, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने ही रखेंगे, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें, ठीक है, जैसे उसका सिलेबस क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें। तब तक मिलेंगे, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।